Hey, hello, hi, namaste, this is Prayush once again. आपके लिए एक और एक वीडियो लेके आ गया. We are on the way to Sri Sailam. जाने के टाइम पे यू नो वी सॉ अ रिजर्वर. वी हो यहाँ पे जाएंगे, देखते हैं कैसा रहता है. Let's see. तो अभी यहाँ पे फोटो सेशन तो हो गया, अब आगे बढ़ना है और बहुत संभाल के जाना है. Here we are coming, Sri Sailam. You can see, you know, the reservoir, how big it is. यहाँ से बाहर ये completely reservoir. हनुमान जी इसे खाने के लिए क्यों गए? काश मेरे पास भी इतना सुपर पावर होता, वहां तक चला जाता. सुबह 4:30 बजे निकले थे, कंप्लीटली बिल्कुल लाइट भी नहीं था. शायद 6 o'clock को कुछ यू नो सनलाइट दिख रहा है, उससे पहले कुछ भी नहीं था. एंड इसीलिए वीडियो लेट से चालू किया. एंड सी हाउ ब्यूटीफुल सनराइज इट इज. भूख तो बहुत जोर से लग रहा है, तो अभी यहाँ पे पास ही में होटल भी मिल गया रास्ते में. बी रेडी फॉर द कर्व्स ट्विस्ट. टाइगर रिजर्वर मेनली बाइकर्स बहुत आते हैं, बुलेट वाले बाबू. నాకు పిలిచినా నేనైనా పోయాడే, నువ్వైనా పోయాడే, ఎవరైనా పోయాడే. ఈ బందా బోల్ రే టైగర్ యహాన్ పే రాత్ కో ఆ రహా హై ఔర్ ఇస్నే పూచా టైగర్ ఆయేగా తో యే బందా కో బులాయేగా తో వో బందా బోల్ రహా హై తో వో తుమ్ భీ జాఓ వో తుమ్ మరోగే మే భీ జాఊంగా మే భీ మరూంగా. जंगल में मंगल. और इसे कहते हैं मलेला देखो. अमित, वी शुड गेट क्लॉथ यार.
नहीं आता है, तो नहीं आता से ऊपर जा रहे हैं। हालत ही खराब हो गया हम लोगों का। 300 सीढ़ी उतना तो बहुत आसान था, लेकिन चढ़ने को देखो बहुत बहुत मुश्किल। हमारा हालत कैसा है, कब्बाली डा, और कब्बाली में डा ही रह गया, लेकिन कब्बाली नहीं रह गया, बुरा थक गया। वो चढ़ाई ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसे नहीं, ऐसा आ भगवान के पास भाई। ओ अभी एक 10-15 मिनट रेस्ट लेके जाएंगे, उसके बाद शीशन टेम्पल। सुबह सुबह तो नया के आगे वहाँ पे रोप वे है, आउट एक्सपीरियंस। ओ वो 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 तिरुपति मंदिर, ये देखो कर्व वाला रास्ता, ये देखो हाइड्रो पावर प्लांट। यहाँ का सेकेंड लार्जेस्ट डैम कहा जाता है, ऑलमोस्ट 1980s में कुछ बनाया, इनोग्रेशन कुछ हुआ था। एंड रेनी सीजन में ये ओपन होता है, बट एज ऑफ राइट नाउ अगर पानी जब वहाँ पे जब भरती होता है देन दे विल बी लिविंग दिस साइड। देखिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज गोइंग। ఎంతమ్మా ఎంత ఒకటి వందకి ఐదా
अब मंदिर के दर्शन की बारी आ रहा, सबसे पहले थोड़ा सा प्यास मिटा लेंगे। ये मंदिर है, मंदिर से जाने से पहले वहाँ पे जाके मोबाइल रख के आना पड़ेगा। एक लॉकर रूम कुछ है शायद, मोबाइल अलाउ नहीं करते हैं। हर जगह सिर्फ शॉप। आप यहाँ पे आके फैंटास्टिक मार्केटिंग तो मस्त करेंगे। मतलब एक चीज़ कंफर्म है, अब जब यहाँ पे आओगे ना कुछ खरीद के ही जाओगे। जिस प्रकार के आइटम है, रियली रियली नाइस। ये देखो मोबाइल रखने के लिए कितने सारे लोग आ गए यहाँ पे। फाइनली बहुत अच्छा दर्शन हुआ। हाँ थोड़ा लेट तो हुआ, प्रॉबेबली एक वन एंड हाफ आवर वेट करना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे भगवान का भी लंच टाइम हो गया था, सो थोड़ा वेट करने लगा। एंड नाउ वी आर हेडिंग बैक टू द रोप वे। हेलो गाइस, हेलो बोल दो। हेलो, हम जा रहे हैं वो वाला व्यू देखने के लिए, पाताल गंगा के व्यू। वहाँ से छोटे छोटे जो दिख रहा है वो बोट्स है, वो किस तरफ कहाँ जा रहा है पता नहीं, नीचे जाके पूछेंगे। पाताल गंगा कहते हैं तो बहुत स्पिरिचुअल वाटर कहते हैं यहाँ पे, तो इसीलिए हर एक के सर पे गिरा दें। हे, सबसे मेन चीज, आप जब श्रीशैलम आते हैं मेक श्योर आने के बाद या फिर जाने से पहले इस मंदिर साक्षी गणेश टेम्पल पे आना भूलिए मत।
मेक श्योर आप जब तक ये मंदिर दर्शन नहीं करते हैं तो आपका ट्रिप कंप्लीट होने वाला ही नहीं. सो मेक श्योर ऑफ कमिंग डाउन ओवर हियर. एंड ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है. यहाँ पे देखिए लोग कैसे बनाए हैं, पत्थर के ऊपर पत्थर. और यहाँ पे लोग मान रहे हैं अगर आप भी पत्थर अगर एक के ऊपर एक रखते हैं तो आपका घर बनेगा. तो मैं सोच रहा हूँ अगर दो तीन डालूंगा तो दो तीन फ्लोर हो जाएगा क्या. तो डाल के देख लेते हैं डालने में क्या जाता है. तो एक पत्थर मिला, दूसरा अरे अच्छा वाला डालना पड़ेगा. हाँ तो सीम तो हो गया हमारा. अब ये लोग भी बना रहे हैं. तुम्हारा ऑलरेडी घर है ठीक है, और बनाने की जरूरत नहीं है. छोटा सा ये ग्रेटेड नहीं नहीं ये पूरा बाउंड्री के साथ. अच्छा बाउंड्री के साथ क्या उतना ही ये छोटा है मतलब पेंट हाउस थोड़ा छोटा सा पेंट. अच्छा अच्छा ऐसा है क्या. पूल पूल स्विमिंग पूल है. हेलो प्यारी बिंदु. अरे बहुत सालों के बाद मेरी प्यारी बिंदु. मेरी प्यारी बिंदु. दर्शन बहुत 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 अच्छा हुआ. और इस बार हमने टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किए. एंड आई एम प्रीटी श्योर 10 बजे के अंदर ही हम पहुंच जाएंगे शायद. तो 4:30 से लेके 10 o'clock दैट्स अ गुड यू नो टाइमिंग्स. एंड आपका अगर टाइट वाला अगर टाइमिंग है शिफ्ट है अगर एक दिन का ही छुट्टी मिल रहा है आप आराम से आके सुबह और बिफोर 12 o'clock आराम पहुँच जाएंगे इफ़ इट इज़ फ्रॉम हैदराबाद.